व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो गाइस कम से कम बहुत दिन हो गया मैंने व्लॉग बनाई नहीं हूँ, क्योंकि यार मैं सोच रही थी कि थोड़ा 500 हो जाए सब्सक्राइबर, उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ। और वैसे भी जैसे मैंने बोली थी कि मैं 100 व्लॉग तक डेली करूँगी, डेली 100 व्लॉग कम्प्लीट, मतलब 100 व्लॉग तक मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, तो वो मैंने की हूँ। और ये वाला व्लॉग कुछ 105 या 6 होगा, मैंने की हूँ व्लॉग, 100 व्लॉग हो गया मेरा, 100 व्लॉग कंप्लीट हो गया। डेली व्लॉग करते करते पता ही नहीं चला है कैसे कितनी जल्दी ज़्यादा हो गया। और या गाइस आज व्लॉग करने का बहुत स्पेशल डे भी है, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। 75 ईयर्स हो गए, बहुत बड़ी बात, मतलब हमारे देश को आज़ादी मिली थी ना 15 अगस्त 1947 में, तो यही गाइस। और बहुत मतलब बहुत ऐसा प्राउड लगता है ऐसे इंडिया पे ऐसे बात करने के लिए, मतलब ऐसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ये दो ही दिन नहीं होता हमको, मतलब पूरे दिन, मतलब जितने महीने हैं पूरे साल हमको हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, मतलब ऐसे उनको रिप्रेजेंट करो और प्राउड कराओ। तो यार गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। गाइस ये वाला जो साल है वो 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, तो मतलब सब ने हर घर तिरंगा, आपने सब ने सुना होगा हर घर तिरंगा, तो मतलब सबके घर में हर घर तिरंगा, ऑब्वियसली सबके घर में तिरंगा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि होता हर इंडिपेंडेंस डे में स्कूल वालों के लिए, कॉलेज वालों के लिए और जो काम हम करते हैं उनके लिए अच्छा रहता था कि मतलब वो जाके फ्लैग होस्टिंग करवा ले ऑफिस जगह पे, स्कूल वाली जगह में, कॉलेज वाले कॉलेज में। लेकिन जो यूजुअली स्कूल कॉलेज मतलब जो घर पे रहता है वो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं, बचपन में की है लेकिन फिर जब एक जब घर पर रहता तो वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करता। जैसे अभी हमको भी लगता है हमारा स्कूल रहता तो हम लोग को इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि वाइट ड्रेस पहन लो, यहाँ फ्लैग लगा लो और जल्दी छुट्टी होगी और मतलब परेड होगी, ये सब की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, डांस होगा ये सब। लेकिन फिर उसके कॉलेज में भी एक साल ही हुआ, क्योंकि 2 साल कोरोना के कोविड के उससे नहीं हुआ। फिर अभी ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत मिस करते हैं वो सब चीज़ें। तो कब से तैयारी शुरू होने लगती थी, मतलब जून जुलाई से तैयारी होने लगती थी, अगस्त सिर्फ 15 अगस्त थी। तो या गाइस लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मतलब हर घर में तिरंगा, ना हर जगह, मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से, मेरे यहाँ भी लगा है, घर पे लगाए हैं और देखो वो सामने दिख रहा होगा, ये मिस्टी लोग के घर में लगा है, और सबसे मेन सबसे मस्त देखो ये आंटी लोगों ने लगाई हैं सामने वाली, तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और जब मैं दिखाऊँ तो आगे भी लगा होगा, दिख रहा यार लगा है, वैसे आगे भी लगा और यहाँ भी लगा है सामने पार्लर के घर में, लेकिन दिखेगा नहीं, ये देखो कितना प्यार लगा, मतलब अब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये देखो मस्त यार, इसको देखो देखो ये यहाँ पे दूर दूर तक देखो आपको तिरंगा ही दिख रहा होगा, दूर दूर तक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो गाइस देखो मेरा लक कितना अच्छा है, मैं अभी आपसे ही बात कर रही थी, अर्पिता का मैसेज आ गया कि चल चलते हैं अभी अपन गौरीघाट घूम के आते हैं, तो चलो यार थैंक यू, मान गई वो। क्योंकि और हाँ कल मैं गई थी रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन में लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, फिर डुमना भी गए, लेकिन मैंने कल व्लॉग नहीं किया, मतलब कल मैं थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा लेती हूँ और फिर नहीं की मैंने व्लॉग, बट आज की मैंने आज व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कितना अच्छा मतलब बाहर का वो है वेदर, मतलब एनवायरनमेंट है। ठीक है चलो, मौसम तो बहुत अभी बहुत तेज बारिश आ गई बापू, बहुत तेज बारिश होने लगी यार, हम इसमें खड़े हैं अभी नीचे यार। पता हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत पानी हो गया अभी यहाँ पे। तो गाइज अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, क्योंकि बारिश थोड़ी कम मतलब बंद हो गई, थोड़ी बहुत चल रही है यार, ये देखो चक्कर है, झंडे देखो, अभी थोड़ा सूट ऊपर कर ले, रहने दे पूरा भींग तो गया है।
तो गाइस देखो हमारे हम लोग ना अभी हमें और भी भयंकर बढ़ गया अभी गाइस मंदिर दिखा रही देखो मतलब लिटरली इतना बस बचा है वाओ ये देखो पूरा मतलब पानी से हम तो गाइस अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पर भी पूरा मतलब से वो था पानी नहीं था और खड़े खड़े देखो हम लोग पानी कितना बढ़ गया हमारे सामने इतना हुआ अभी और डैम खुला है ना तो इसलिए और बहुत तेज बहाव है पानी का अब हम लोग पीछे वाली सीढ़ी में आ गए ये वाला सीढ़ी का ही पानी भर रहा है मेरे को लग रहा है पूरा डूब जाएगा मंदिर तो अभी एक ग्रीन वाला चाहिए एक ग्रीन वाला भी दे दो ले लेते ना और बस एक लेस ले लेते और एक ब्लेस दे दो ये देख फटा तो नहीं है गर्म है भी वो ऊपर से डिक्की में था ना तो गाइस मैंने मतलब यहाँ का एक बार मैं और अर्पिता ही आए थे तब मैंने शूट करके दिखाई थी बट अभी मेरा हम लोग का सडन प्लान बना हम लोग गौरीघाट जाने का प्लान था पूरा 15 अगस्त हम लोग का बहुत अच्छा जा रहा है आप पानी की आवाज़ सुन रहे हो वाओ मतलब ये चीज़ मुझे दिखाना था और ये चीज़ हम लोग देखने आए थे बट नहीं दिखा पाए क्या आज ना गेट भी खुले 13 गेट खुले अबे बहुत धस गई मेरी चप्पल चल जल्दी चल जल्दी चल पूरी रोड पूरी वो है कीचड़ कीचड़ हो गई इसलिए बोल रही थी लोवर टी शर्ट पहन के आ बड़ी फोटो के चक्कर में ना कुछ भी कर सकती नहीं 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 मैं पकड़ी हूँ वैसे वो बहुत धस रही है गिरेगी नहीं तू पकड़ी हूँ बेटे को चल चढ़ेंगे कैसे नहीं बाकी आवाज सुनाई आ रही होगी मेरी मेरे से तेज आवाज आपको अभी पानी की आ रही होगी और आप लोग को दिखाती हूँ मैं आज मौसम 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 जबलपुर चल 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 नहीं मैं ठीक मैं तो चप्पल पहनी ना जबलपुर बेस्ट है बेस्ट दिखाती हूँ मेरे को पता है ना गंदी चप्पल फिसल रही ठीक है गीला है यार बट बैठ जाते कुछ नहीं 1 2 3 अब देखो गाइस देखो यार चेक करो 2 मिनट को मैं बारिश आ गए कैमरे में 2 मिनट अब चेक करो गाइस हम लोग वहाँ पे गए थे आपने देखे होंगे पिछली वीडियो में बट हम लोग अभी वहाँ नहीं जा सकते हैं बहुत गहरा मतलब देखो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल मैं चप्पल उतार के जाती हूँ गाइस ये देखो चप्पल उतार दी मतलब काफी हद तक ऐसे पानी पूरा प्लेन है देखो पता नहीं मेरी आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी मैं अपने साइड से दिखा रही हूँ ये देखो ऑसम व्यू ऑसम व्यू गाइस और अभी मैं और अर्पिता थोड़ी सी फोटोज ले लें और वीडियोज बना लें थोड़ी स्लोमो टाइप की फिर उसके बाद हम लोग फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी ठीक है उसके बाद मैं फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी उसके अंदर आपको ब्लॉग में भी स्लोमोज दिखाऊंगी तो चलो पहले हम लोग फोटो ले लेते हैं ठीक है उन्होंने पहले ही गौरीघाट से ले लिया था आलू मंडा मस्त है सही है क्या एंजॉय कर रहे हैं यार अपन पता है मतलब सही है एकदम बारिश में आलू मंडा अरे इतना प्यारा
लोग खाते हैं, फिर मैं आपको ऊपर ही मिलती हूँ, ठीक है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हम लोग ऊपर मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो तो गाइस अब टाइम हो गया इस व्यू को बाय कर रहे था, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं। चल अपन चलते हैं क्योंकि कीचड़ भयंकर है। चलो अभी आपको मैं ऊपर मिलती हूँ या फिर घर में, सीधे आप घर में ही मिलते हैं यार, बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि, ठीक है। तो यार गाइस अभी 10:20 हो रहे हैं और मैं वहाँ से आने के बाद मैंने कोई शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा भींग गई थी, पूरी ही भींग गई थी। और उसके बाद घर आई, घर आने के बाद डांट नहीं पड़ी, और घर आई, घर आने के बाद फिर थोड़ा देर लेट गई, आवाज़ में अजीब सी बैठी बैठी लग रही है ना। और या गाइस आई होप मैं अभी अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, खाना खाने जाती हूँ ना। तो या गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो क्या करना, ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर जिन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर कर दो मेरे बर्थडे तक। आई होप हो जाएंगे, आई थिंक हो जाएंगे। फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, और मैं मिलती हूँ कल आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।